मानव सभ्यता के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में मानव जीवन बहुत कठिन था। तब प्रकृति के रहस्यों से हम पूरी तरह अनभिज्ञ थे। जैसे जैसे हम इन रहस्यों को समझते गए, जीवन को सुगम बनाने के उपाय हम ढूंढते गए। समय बीतता गया, हम नए संसाधनों की खोज करते चले गए। बेशक आधुनिकीकरण के इस दौर में हमने बहुत से कृत्रिमान स्थापित कर लिए हों, इस बात से भी इनकार नहीं कि इनके बगैर जीवन कठिन है। परंतु विकास के संधेह दौर में यदि सबसे ज्यादा दोहन हमने किसी चीज का किया है तो वह है पर्यावरण। आवश्यकता से आगे अब हम प्रकृति के दोहन पर उतर आए। प्राकृतिक संपदाओं को हमने नष्ट करना शुरू कर दिया। हमने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। हमने उस महत्वपूर्ण स्रोत को ही नष्ट करना शुरू कर दिया जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण प्राणवायु ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। हवाओं का बहना हो या मानसून चक्र, सब कुछ वृक्षों पर ही निर्भर है। वृक्षों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। वृक्ष हैं तो पृथ्वी की सतह पर पीने योग्य पानी है। पेड़ पौधों से ही पृथ्वी पर हरियाली है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वातावरण में विभिन्न गैसों का संतुलन बनाकर रखते हैं। सूर्य की घातक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाकर रखते हैं। पृथ्वी के तापमान को संतुलित करके रखते हैं। परंतु जिस तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है, उस अनुपात में यदि हम पेड़ नहीं लगाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की तरह ही हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि मुंबई जैसे कई शहर डूब जाएंगे। यही हाल अन्य शहरों का भी हो सकता है। इसलिए पेड़ पौधों की देखभाल करें, अपने घर आंगन में नए पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बनने दें। ऐसा करके आप अपना जीवन तो बचाएंगे ही, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को नया जीवन भी देंगे। याद रहे, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो कल है।